भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने दिखाए काले झंडे। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, वह इस मंशा को लेकर जनता के बीच जा रही है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए, इसलिए जनता का आशीर्वाद उन्हें मिले। परंतु हुआ कुछ ऐसा कि आशीर्वाद के साथ साथ बीजेपी को अपने विरोध में काले झंडे भी देखने को मिले। महितपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने जन आशीर्वाद यात्रा के उज्ज्वल चेहरे पर काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, शिवराज मुर्दाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगे और राघवी थाना क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा आई, तब विजय सिंह गौतम ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ काले झंडे दिखाकर भाजपा का विरोध जताया। पुलिस बल की मौजूदगी में भी विजय सिंह गौतम ने काले झंडे दिखाए। पुलिस प्रशासन ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम को रोकने की कोशिश की। विजय सिंह गौतम ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ दी अपनी गिरफ्तारी। आखिर भाजपा यह क्यों विचार नहीं कर रही है कि कांग्रेस के साथ साथ करणी सेना परिवार भी क्यों रूठा हुआ है? विजय सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। बहादुर सिंह चौहान, बहादुर सिंह चौहान, विजय सिंह गौतम, विजय सिंह गौतम, किसानों को मुआवजा दो, किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, किसानों के खेत पे जाओ, खेत पे जाओ, खेत पे जाओ, किसानों की सोयाबीन की फसलों की पुनः उसकी आकलन करवाओ, आकलन करवाओ, आकलन करवाओ। किसानों को मुआवजा नहीं मिला। एक ऐसे लोग जो निर्दोष है उन पे केस की कायमी हुई। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी की जितनी दमनकारी नीति है, ये जन दर्शन यात्रा, काय की जन दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं, इनको तो माफी मांगो यात्रा निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज इतना अन्याय, इतना अत्याचार और कुत्सित व्यवहार, और किसानों की 60% फसल समाप्त हो गई, आज तक एक जनप्रतिनिधि और एक भी वहां का कोई कर्मचारी अधिकारी राजस्व का और कृषि विभाग का खेतों पे नहीं पहुंचा, किसानों के आंसू पहुंचने नहीं गया। आज हमको पूरी यात्रा को हम काले झंडा दिखाने के लिए आए थे, आज पुलिस ने हमको हिरासत में लिया है। हम अभी राघवी थाना में हैं, महितपुर थाना, महितपुर विधानसभा क्षेत्र के राघवी थाना में, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस की गिरफ्तारी से हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमें जेल पहुंचा दो, हम पे लाठियां चलाओ और हम पे चाहो तो गोली चलवा दो। हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आज इसके लिए यहाँ पे खड़े रोड पे, और उनकी यात्रा को काला झंडा दिखाना और दिखाया और दिखाएंगे, और निश्चित रूप से तो कोई नहीं रोक सकता। पुलिस जितने कायमी, जितने कार्रवाई करना है कर ले, 1000 बार कार्रवाई करे, मेरे हजारों लोग जेल जाने को तैयार है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर खेड़ा खजूरिया में हमने पूरा प्रोग्राम जमाया था, जगह जगह क्षेत्र से लोग आए थे, और किसान के ये बच्चे आज आंसू उनके निकल रहे हैं। आज उनकी यात्रा को दिखाना चाहते थे कि यात्रा तो निकाल रहे हो एयर कंडीशन में से बैठ के, बड़े बड़े जनदर्शन वाले वाहनों में जिनकी कीमत 50-50 लाख है, उन वाहनों में घूम रहे हो आप, मालाएं पहन रहे हो, हार पहन रहे हो, यहाँ के विधायक जी सो रहे हैं, यहाँ के विधायक जी जाने को तैयार नहीं है, वहां के विधायक जी बात करने को तैयार नहीं है, और आपस में इतनी फूट फजीहत है कि उसका कोई भी हिसाब किताब अगले आने वालों कल में नहीं मिलेगा, और इसका जनता जवाब देगी। जनता देख रही है, जनता बहरी गूंगी नहीं है, जनता सब देख रही है। आज पुलिस बंद करे, हम पे लाठी चार्ज करे, हम पे गोलियां चलाए, हम खाने को तैयार है। अगर हम मरते भी हैं तो हम शहीदों की लिस्ट में आएंगे। किसानों के लिए अगर विजय सिंह गौतम और उसकी पूरी टीम मरती है तो हम बिल्कुल मरने के लिए तैयार है, और जितनी कायमी करनी हो पुलिस को उतनी पूरी कायमी करे। हम पुरजोर विरोध करते हैं बहादुर सिंह चौहान का, उसकी गलत नीतियों का, और निश्चित रूप से जिस तरह से उसने ये अंगारे फैलाए हैं उसका एक दिन उसको दंड भोगना पड़ेगा। वो 2 महीने का विधायक है, सिर्फ 2 महीने का।